भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लत जम्मू और कश्मीर के शहर श्रीनगर के इलाके रंगरेट में ये लोग काबिज भारतीय अफवाज के हाथों दो कश्मीरी नौजवानों के फर्जी मुकाबले में कत्ल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इन नौजवानों को काबिज भारतीय फोर्सेस ने उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। नौजवानों के सफाकाना कत्ल की खबर सुनते ही लोग सड़कों पर निकल आए और इस खून नाहक के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर लोगों ने आजादी के हक में और भारत के खिलाफ नारे बुलंद किए। कश्मीरी आवाम का कहना है कि काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों मासूम लोगों का फर्जी झड़पों में कत्ल रोज का मामूल बन चुका है और दो नौजवानों का सफाकाना कत्ल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लोगों का कहना है कि काबिज भारतीय फोर्सेस बस्तियों का मुहासरा करके खुद ही फायरिंग करती हैं और फिर आम शहरियों को कत्ल करके दावा किया जाता है कि मारे गए लोग अस्करियत पसंद थे। लोगों का कहना है कि अपने झूठे दावों को सच साबित करने के लिए काबिज फोर्सेस मारे गए अफराद के साथ हथियार बांध देती हैं। कश्मीरी आवाम अभी रामबाग श्रीनगर में 3 जबकि हैदरपुरा में 4 आम शहरियों की शहादत के दिलदोज वाकयात के सदमे से निकले भी नहीं थे कि भारतीय दरिंदा सिफ्त फौजियों ने एक बार फिर कश्मीर को खून में डुबो दिया। फर्जी झड़पों में आम शहरियों की शहादतों के बढ़ते हुए वाकयात ने कश्मीर की माओं और बहनों में तश्वीश की लहर दौड़ा दी है और वो अपने प्यारों की सलामती के हवाले से हर वक्त फिक्रमंद रहती हैं। बेशर्मी और दरिंदगी की हद ये है कि जब शहदा के लवाहिकीन काबिज भारतीय फोर्सेस से सवाल करते हैं कि उनके अजीजों को किस गुनाह की पादाश में मारा गया तो वो शैतानी कहके लगाकर कश्मीरियों की बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से, और फर्जी झड़पों में आम शहरियों का कत्लेआम काबिज भारतीय फोर्सेस का नफा बख्श कारोबार बन चुका है। इन हालात में आलमी बरादरी की ये जिम्मेदारी है कि वो मकबूसा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जराइम की तहकीकात के लिए एक कमीशन मुकर्रर करे और इन जराइम में मुलव्वस भारतीय हुक्काम को आलमी अदालत इंसाफ के कचहरे में खड़ा करे।